हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू ई करियर पॉइंट डिफरेंशिएशन बहुत ही वर्सेटाइल टॉपिक है और इसके एप्लीकेशंस बहुत सारे फील्ड्स में देखने को मिलते हैं यूजुअली इसके एप्लीकेशंस में रेट ऑफ चेंज टेंजेंट नॉर्मल जो जो कि ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन है मैक्मम मिनिमम मोनोटोनोसिटी और मीन वैली थियोरम्स ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशंस हैं और स्टूडेंट्स इनके साथ बहुत फेमिलियर होते हैं लेकिन और भी कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं और भी कई ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर डिफ्रेंशिएशन बहुत ही यूज़फुल रोल प्ले करता है उन्हीं में से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ और वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रिपीटेड रूट्स देखने में एल्जेब्रा का कॉन्सेप्ट है रिपीटेड रूट्स ऑफ इक्वेशंस उसके बारे में बात की जा रही है लेकिन डिफ्रेंशिएशन से इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कोरोलेट किया जा सकता है और कई ऐसे प्रोफाइल्स हैं जहां पर इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन लेकर उन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है क्या बोलता है ये कॉन्सेप्ट पहले मैं आपको एक बार ये एक्सप्लेन करता हूं इफ एफेक्स बी आर डिफ्रेंशियबल फंक्शन एट एंड टू एल्फा बी एन टाइम्स रिपीटेड रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो का एक्स इज इक्वल टू एल्फा एक एन टाइम्स रिपीटेड रूट है देन इट विल बी एन माइनस वन टाइम्स रिपीटेड रूट ऑफ द इक्वेशन एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू जीरो बहुत ही सिंपल सी बात है और बहुत आसानी से इसको समझा जा सकता है और इसके एप्लीकेशंस बहुत ज़बरदस्त हैं क्या यहाँ पर बोला जा रहा है सपोज देर इज़ एन इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो और अल्फा इसका एन टाइम्स रिपीटेड रूट है अगर अल्फ़ा इसका एन टाइम्स रिपीटेड रूट है तो हम ये मान सकते हैं कि कोई एक ऐसा फैक्टर होगा जी एक्स उसमें हम इसको एन टाइम्स रिपीटेड रूट ले रहे हैं तो हम फॉर एग्जांपल ऐसा समझ लें कि जी एक्स रेज डू दी पावर एन उसमें एक कोई ऐसा स्पेसिफिक फैक्टर है और अल्फा पर जी का वैल्यू जीरो हो रहा है वेयर जी अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो तो ऐसा बोला जा सकता है कि अल्फा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन के लिए एन टाइम्स रिपीटेड रूट होगा बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर फैक्टर फॉर एक्साम्पल टू अंडरस्टैंड इट इन वर्ड वी कैन से दैट एफ एक्स एक्स इज इक्वल्स टू सेल्फा रीज डू दी पावर एन इन टू एच एक्स यहां पर आप देख सकते हैं कि अल्फा एन टाइम्स रिपीटेड रूट है दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि कोई एक इक्वेशन है उस इक्वेशन में अगर अल्फा रिपीटेड रूट है तो वो इक्वेशन ऐसी हो सकती है अब अगर इस तरह के सिचुएशन हो तो आप एक बार इसे डिफरेंशियट कीजिए राइट डिफरेंशियट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये हमें देता है एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू एन टाइम्स जी एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू जी डैश एक्स कीपिंग एच एक्स एज इट इज प्लस जी पावर एन एक्स इंटू एच डैश एक्स यहां से हम जी एक्स रेज टू दी पावर एन माइनस वन को इजीली कॉमन ले सकते हैं और यहां बचता है एन इन टू जी डैश एक्स एच एक्स प्लस जी एक्स इंटू एच डैश एक्स आप देख सकते हैं कि अगर g अल्फा जीरो है तो जी एक्स रेज टू दी पावर एन माइनस वन फैक्टर होने से हम ऐसा बोल सकते हैं कि अल्फा एन माइनस वन टाइम्स रिपीटेड रूट होगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन के लिए जैसा कि इस केस को अगर आप एक बार डिफरेंशिएट करें तो यहां से एक्स माइनस एल्फा रेज टू दी पावर एन माइनस वन को कॉमन लिया जा सकता है और एल्फा एन माइनस वन टाइम्स रिपीटेड रूट कहा जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन का सो दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट एंड ईजिली इट कैन बी अंडरस्टूड अब बात आती है इसके एप्लीकेशन की तो इस तरह की सिचुएशन एल्जेब्रा के कई प्रोफाइल्स में कई कक्शन में थ्योरी ऑफ इक्वेशन में हमारे सामने

कैसे इसको सॉल्व करना होगा एक बार स्टूडेंट्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा वीडियो को पॉज करके एक बार आप सॉल्व कीजिए और उसके बाद इस सॉल्यूशन को देखिए यहां पर हमसे कहा है एफ एक्स इज अ फिफ्थ डिग्री पॉलिनोमियल एंड इट गिव्स रिमाइंडर वन व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन होल क्यूब तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन होल क्यूब इन जी ऑफ एक्स प्लस वन राइट right? और इसी के साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि प्लस वन से डिवाइड एक्स प्लस वन होल क्यूब से डिवाइड करने पर रिमाइंडर माइनस वन मिल रहा है राइट right? अगर मैं बात करूं एफ एक्स इज इक्वल टू जीरोक्वल टू जीरो में एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो के केस में यहां पर ये जो एक्सप्रेशन बन रही है उससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि एफ एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन होल क्यूब जी एक्स ये एक फैक्टर बनेगा और इससे ये बोला जा सकता है कि एफ एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो आएगा एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स में एक्स माइनस वन टू टाइम्स रिपीटेड फैक्टर होना चाहिए राइट right? इसी तरह से यहां से बोला जा सकता है कि एफ एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो में एक्स प्लस वन एक थ्री टाइम्स रिपीटेड रूट Repeated factor होगा। यहां पर एक्स प्लस रिपीटेड रूट बनेगा और इन इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए ये कंक्लूड किया जा सकता है कि यहां हम बोल सकते हैं इन इस इक्वेशन का डेरिवेटिव यानी एक्स माइनस वन होल स्क्वायर एक फैक्टर होना चाहिए एक्स प्लस वन होल स्क्वायर एक फैक्टर होना चाहिए यानी एफ डैश एक्स के दो फैक्टर्स में आपको एक्स माइनस वन होल स्क्वायर और एक्स प्लस वन होल स्क्वायर जरूर मिलना चाहिए साथ में एफ डैश एक्स आपको जो दिया हुआ है उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स एक फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल होना चाहिए बिकॉज एफ एक्स इज अ फिफ्थ डिग्री पॉलिनोमियल तो इसका मतलब यहां पर एडिशनली कोई और फैक्टर एक्स का नहीं बचेगा यहां केवल और केवल एक कॉन्स्टेंट आ सकता है और वो कॉन्स्टेंट इस एफ डैश एक्स पॉलिनोमियल का लीडिंग कॉफिशियंट होगा दैट इज ए और ये फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल हो गया फर्दर वी कैन राइट इट एज ए टू एक्स माइनस स्क्स होल बिकम्स ए एक्स टू दावर फोर माइनस टू एक्स प्लस वन दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एफ डैश एक्स अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो हमें एफ एक्स का डेफिनेशन बहुत ईजीली मिल जाएगा सो वी विल गेट इट एज एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए इन टू एक्स टू दावर फाइव अपॉन फाइव माइनस टू बाई थ्री एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस देशन दट इज सी एर सी निकालने के लिए दो इंफॉर्मेश हमारे पास है यहां से हमें पता है रिमाइंडर इज वन तो इस जगह से हम बोल सकते हैं एफ ऑफ वन इज इक्वल्स टू वन और यहां से हम बोल सकते हैं एफ एक्स एक्स प्लस वन होल क्यूब से डिवाइड करने पर रिमाइंडर माइनस वन देता है इसका मतलब यहां से इंफॉर्मेशन निकल सकती है एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस वन और इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए ए और सी का वैल्यू फाइंड आउट किया जा सकता है सो एफ ऑफ वन दैट इज ए वन अपॉन फाइव माइनस टू बाई थ्री प्लस वन प्लस सी एंड दिस इज इक्वल टू वन सिमिलरली एफ ऑफ माइनस वन दैट इज ए माइनस वन अपॉन फाइव प्लस टू अपॉन थ्री माइनस वन प्लस सी इज इक्वल्स टू माइनस वन ये दो इक्वेशंस जो हमें मिली हैं उनसे हमने ए और सी में दो इक्वेशंस बना ली ए और सी के लिए हम सॉल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करें ए मल्टीप्लाइड बाय फिफ्टीन एंड दिस इज माइनस एट प्लस सी इक्वल्स टू वन प्लस एट यहाँ से हमें मिल जाएगा दिस इज़ ए मल्टीप्लाइड बाई माइनस एट अपॉन फिफ्टीन प्लस सी इज इक्वल्स टू माइनस वन इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू इन दोनों को सॉल्व करके सी का वैल्यू फाइंड आउट किया जा सकता है ए प्लस टू वन प्लस टू दैट गिव्स अस टू सी इक्वल्स टू जीरो मीन्स सी इक्वल्स टू जीरो एंड दैट इज वाई ए बिकम्स फिफ्टीन अपॉन एट So, from this step, we can find the definition of the function f of x. So, finally, f of x that is 15 upon 8 is 15 upon 8 multiplied by this expression plus c, and c is equal to 0. And this is 1: 1 upon 8 x raised to the power 15 upon 5. So, this is x to the power 5 upon 5 multiplied by 15. So, it is 3 minus 10x cubed plus this is 15x. फाइनली एफ एक्स फंक्शन का डेफिनेशन हो जाएगा तो इस तरीके से हम एफ एक्स के डेफिनेशन फाइंड आउट कर सकते हैं एंड नाउ द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टू इज रिक्वायर्ड सो दैट कैन इज़ीली बी ऑब्जर्व माय डेयर स्टूडेंट्स और यहां से हम एक्स इज इक्वल टू टू पर अगर एफ ऑफ एक्स का डेफिनेशन पता है तो हम एफ ऑफ टू का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं तो ये एक बेसिक अप्रोच रहेगी इस तरह के कॉन्सेप्ट को यूज करने की और इस एफेक्ट्स को निकालने के बाद अब आप बहुत आसानी से जिस स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स पर फाइंड आउट करना चाहें एफ एक्स का वैल्यू उस पॉइंट पर फाइंड आउट कर सकते हैं सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन भले ही एल्जेब्रा का देखने में लगता है लेकिन इस कॉन्सेप्ट से डिफ्रेंशिएशन की एप्लीकेशन से रिपीटेड रूट्स के कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है और कई सारे क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जे एडवांस थैंक यू विश यू ऑल द बेस्ट